Hey, Vitamins, की हलचल, welcome back to the channel. दोस्तों, इंडिया में सबसे फेमस बीच डेस्टिनेशन है अंडमान, और अगर आप अंडमान जाने के बारे में सोच रहे हैं तो न्यू ईयर के आसपास का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और आपको आज मैं वाईटी भारत पर बताऊंगा अंडमान का ऐसा एक फेमस टूर पैकेज जिसको आप लिए बिना नहीं रह पाएंगे। बेस्ट सर्विस के साथ, बेस्ट रेट के साथ मैं आज आपको अपने वेरीफाइड ट्रेवल पार्टनर द्वारा शेयर किया गया इस टूर पैकेज के बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और आपको बता देते हैं सारे पैकेज की टूर डिटेल। अगर आप इस पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जाकर के ट्रैवल कंपनी से संपर्क करिए, सारी जानकारी हासिल कर लीजिए, रेट्स को कंपेयर करिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि रेट के बारे में बात करें और सर्विस के बारे में बात करें तो इंडिया में ऐसी कोई ही छोटी या बड़ी ट्रैवल कंपनी होगी जो इसको बीट कर पाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस जबरदस्त टूर पैकेज की पूरी डिटेल। पोर्ट ब्लेयर में आप रुकेंगे टू नाइट्स के लिए, हैवलॉक में टू नाइट्स के लिए, नील के अंदर वन नाइट के लिए। टोटल आपका 5 नाइट 6 डेज का ये टूर पैकेज होने वाला है। अगर हम आइटनरी के ओवरव्यू की बात करें तो यहां पर हमने डे वाइज आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करके दे दिया है कि आप किस डे पे कहां पर रुकेंगे। लेकिन आइए आपको मैं सीधा डिटेल में लेकर के चलता हूं और आपको डे वाइज आइटनरी बताना स्टार्ट करता हूं कि डे वन से लेकर के डे फाइव पर आप कहां कहां रुकने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर बाय फ्लाइट पहुंचना होगा पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर इस टूर पैकेज के रिप्रेजेंटेटिव जो टैक्सी ड्राइवर होंगे अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर के एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और उसके बाद आपको लेकर के चलेंगे आपके होटल में चेकिंग कराने के लिए। वहां पर आप पोर्ट ब्लेयर के होटल में चेकिंग करिए और रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर आराम करिए। थोड़े समय बाद आप निकलेंगे कॉर्बिन्स को बीच की सैर के लिए और ये सब घूमते हुए आप पहुंचेंगे शाम के टाइम पर सेलुलर जेल। वहां पर आप शाम के टाइम में लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करेंगे। डे टू के बारे में बात कर लेते हैं। डे टू आपका होने वाला है, इस दिन आप जाएंगे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइसलैंड। ये डेस्टिनेशन जो है हैवलॉक आइसलैंड, ये इंडिया के सबसे बेस्ट आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप पोर्ट ब्लेयर से निकलेंगे, फेरी के अंदर बैठ करके हैवलॉक पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद इस टूर का रिप्रेजेंटेटिव आपको अटेंड करेगा, आपके होटल में ले जाएगा, चेक इन करिए और उसके बाद बीच साइड रिजॉर्ट में थोड़ी देर आप रेस्ट एंड रिलैक्स करिए। उसके बाद आप निकलेंगे राधानगर बीच के लिए। राधानगर बीच पर जाकर के आप नेचुरल वंडर को एंजॉय करेंगे, थोड़ी देर आप वहां पर विश्राम करेंगे और वापस आकर के ओवरनाइट अपने होटल या रिजॉर्ट में आप लोग डिनर के बाद आराम करेंगे। इसके लिए मैं आपको राधानगर बीच के लिए बताता हूं, एक्स्ट्रा क्लोथ को कैरी करिए और अपने साथ कुछ पानी को भी ले जाइए। अब बात कर लेते हैं डे थ्री की। इस दिन आप जाएंगे एलिफेंट बीच जो हैवलॉक आइसलैंड पर ही होने वाला है। आफ्टर अ ब्लीजर ब्रेकफास्ट आप निकलेंगे एलिफेंट बीच के लिए बाय बोट के द्वारा। ये आपको अपनी डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये ट्रेवल टाइम लगभग 45 मिनट का होता है। दिस बीच हैज वन ऑफ द बेस्ट कोरल रीफ्स इन द वर्ल्ड एंड द अंडर वाटर मरीन लाइफ आपको यहाँ पर बहुत ही कलरफुल देखने को मिलेगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक स्नैक्स फॉर दिस ट्रिप, और अच्छी तरह से ड्रिंकिंग वाटर ले जाइए और अपनी ड्रेस को बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस को भी कैरी करिए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोरल आइसलैंड टूर आप शाम को हैवलॉक आइसलैंड पर रिटर्न हो जाएंगे। आप बात कर लेते हैं डे फोर के बारे में। इस दिन आप जाएंगे हैवलॉक से नील आइसलैंड पर, ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट करिए और निकल जाइए काला पत्थर बीच पर रास्ते के द्वारा। रास्ते में आपको बहुत सारे रिजॉर्ट मिलेंगे और डाइव सेंटर्स मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा देर आप यहां पर अपने को विश्राम दीजिए और वाइट सैंड्स का एंजॉय लीजिए। लेटर आप कैच करेंगे फेरी को और पहुंच जाएंगे नील आइसलैंड। नील आइसलैंड पर आपको रिप्रेजेंटेटिव कैच करेगा और कैच करने के बाद होटल में चेक इन करवाएगा। चेक इन कराने के बाद आप थोड़ी देर विश्राम करिए, रेस्ट करिए और उसके बाद आप जाएंगे लक्ष्मण पर बीच जो 2 किलोमीटर होने वाला है नील जेटी से। यहां पर आप मेस्मराइजिंग सनसेट को एंजॉय करेंगे। डे फाइव की बात कर लेते हैं। इस दिन आपको वापस लौटना होगा नील आइसलैंड से पोर्ट ब्लेयर। ब्रेकफास्ट करिए,
विजिट करिए भारतपुर बीच जो फेमस है अपनी वाटर एक्टिविटीज के लिए। इसके अंदर आप ग्लास बॉटम राइड लीजिए जिसके द्वारा आप मरीन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप विजिट करिए नेचुरल कोरल ब्रिज को और उसके बाद फेरी पकड़ करके आप पोर्ट ब्लेयर बीच पहुंच जाइए और ओवरनाइट स्टे करिए पोर्ट ब्लेयर के अपने होटल में। डे 6 पर आपको डिपार्चर करना होगा पोर्ट ब्लेयर से और आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा एयरपोर्ट तक। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो होटल की फैसिलिटी है वो आपके पैकेज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग बनाई गई है। स्टैंडर्ड पैकेज से लेकर के डिलक्स पैकेज, सुपर डिलक्स पैकेज और प्रीमियम पैकेज के साथ लग्जरी पैकेज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग पैकेज की कॉस्ट भी आपको वेरी करेगी। अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं डिलक्स पैकेज तो उसकी कॉस्ट अलग रहेगी, स्टैंडर्ड पैकेज की अलग रहेगी। पोर्ट ब्लेयर में अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं तो टेमरिंड, एएमआर ग्रैंड या रयान रेजिडेंट जैसे आपको होटल मिलेंगे। हेवलॉक के अंदर गोल्ड इंडिया बीच रिसॉर्ट, जॉय ग्रैंड ऐसे आपको होटल प्रोवाइड किए जाएंगे। नील आइसलैंड पर नील बंजारा, सार्थक रिसॉर्ट जैसे कुछ होटल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और आगे मैं आपको स्क्रीन मूव करके दिखा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीन को कैप्चर करके इन होटल और रिजॉर्ट की डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप ट्रैवल कंपनी को संपर्क करिए और सारी जानकारी अपने मेल पर या व्हाट्सएप पर मंगवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं मेन चीज की जो आपकी इस पैकेज की कॉस्ट होने वाली है। स्टैंडर्ड पैकेज अगर आप लेते हैं तो 17,500 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग दो लोगों का पड़ेगा। अगर आप चार लोग हैं तो 17,000, छह लोग हैं तो 16,500, अगर आठ लोग हैं तो 16,000 रुपये की आपकी कॉस्ट पड़ने वाली है। उसके अकॉर्डिंग डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम डिलक्स और लग्जरी की कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस पैकेज की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूसिव है। एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा पोर्ट ब्लेयर, हेवलॉक और नील आइसलैंड पर ऑन डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पर। मील प्लान आपका रूम प्लस ब्रेकफास्ट होने वाला है। असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा अराइवल एंड डिपार्चर पॉइंट पर। साइट सीइंग आपका प्राइवेट एयर कंडीशन व्हीकल से होगा एज पर द आइटनरी एट पोर्ट ब्लेयर, हेवलॉक, नील इंक्लूडिंग एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप। ऑल साइड आपको प्राइवेट क्रूज चार्जेस इंक्लूडेड हैं पोर्ट ब्लेयर, नील और हेवलॉक के। पोर्ट ब्लेयर में आपको मैक्स सीलिंग ग्रीन ओशियन ऐसी आपको बोट करवाई जाएगी। साइट सीइंग आपको एज पर द आइटनरी प्रोवाइड करी जा रही है ट्रेवल असिस्टेंट एक्सपर्ट्स द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस पैकेज के अंदर जो एक्सक्लूसिव है उसमें आपका 5% GST एक्स्ट्रा आपको देना होगा। कोई भी एयरफेयर, ओवरलैंड जर्नी, कोई मेडिकल रेस्क्यू, एनी पर्सनल नेचर एक्सपेंस ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगर आप मील का सप्लीमेंट लेना चाहते हैं लंच या डिनर तो स्टैंडर्ड पैकेज में 350 रुपये पर मील आपका कॉस्ट लगभग पड़ने वाला है। अगर आप ऑप्शनल चार्जेस की बात करें तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको करनी है तो उसके चार्जेस मैं आपको यहां पर लिख करके दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर भी आप उसको कर सकते हैं। शोरे स्कूबा डाइविंग 3,500 रुपये, बोट स्कूबा डाइविंग 4,000 रुपये, जेट स्कीइंग 900 रुपये, स्नॉर्कलिंग 1,200 रुपये, ग्लास बॉटम बोटिंग 900 रुपये, कयाकिंग 3,500 रुपये, पैरासेलिंग 4,500 रुपये, बनाना बोट राइड 1,200, सी कार्ट 3,500, अंडर वाटर एंगेजमेंट 4,500। अगर आप चाहें तो अपने पेमेंट बेसिस पर भी ये कर सकते हैं, हमसे करवाएं ऐसा कुछ भी कंपलसेशन नहीं है। कैंडल लाइट डिनर की बात करें तो स्टैंडर्ड में 3,500 रुपये, डिलक्स में 4,500, सुपर डिलक्स में 6,500, प्रीमियम में 9,000, लग्जरी में 12,000 रुपये आपको पे करना होगा। फ्लावर बेड डेकोरेशन स्टैंडर्ड में 2,000 और उसके अकॉर्डिंग आगे मूव करेगा। अगर आप बेनिफिट्स हैं प्री बुकिंग स्कूबा डाइविंग के, ऑप्शनल एक्टिविटी एंड टूर्स ये स्क्रीन को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस टूर पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए कॉल करिए, बात करिए और सारी जानकारी हासिल करने के बाद अगर आपको सूट करे तो इस पैकेज को तुरंत बुक करा लीजिए। मिलते हैं YT भारत केसर के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बिना चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाएं, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।